हमारी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे इस नेक दुआ के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू कीमा, वो भी मेरे स्टाइल से इंस्टेंट बनाएंगे 10 मिनट में। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो जल्दी से वीडियो रेडी कर लेते हैं, साथ साथ भी बातें करते रहेंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे न्यू मेंबर्स हैं तो फ्रेंड्स वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें आज नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर किया करें। चले तो सबसे पहले वीडियो रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, एक अदद मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ऑयल, डिफरेंस मैंने आधा कप जो है ना ऑयल ले लिया, इसको हल्का सा गर्म होने देती, तब तक मैं इसमें प्याज कट कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास दरमियानी 3 अदद प्याज है। फ्रेंड्स, ये हमेशा इस तरह स्लाइसेस में कट किया करें, ये देखिए इस शेप में, ये जरा जल्दी गल जाता है, जो आड़ा प्याज होता है वो जल्दी गलता नहीं। फ्रेंड्स, इसको मैं हल्का सा इसमें डाल के इसको सिर्फ हल्का सा सिर्फ कलर फ्राई कर, कलर ब्राउन इसका नहीं करना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना बस। चले इसको फ्राई होने देते हैं हल्का सा, जितना ये देखें सिर्फ हल्का सा कलर फ्राई हो, इस बार हल्का सा इसमें फ्राई करना था, इसका कलर चेंज नहीं करना था। फ्रेंड, मेरे पास आधा किलो का कीमा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैंने 3 मीडियम प्याज ली है। आप लोगों के पास जिस हिसाब से कीमा उस हिसाब से इसकी मसाले की क्वांटिटी आप खुद लगा लें। फ्रेंड, अब हल्का फ्राई हो गया, अब इसमें मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया, अब हल्का सा इसको हिला लेते हैं, ये देखें फिर इसका कलर चेंज कर लेना सब। ये देखो, ये फ्रेंड्स ये मैंने हल्का सा गिरा रही है, चलिए अब इसमें मैं पीली ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो है 3 अदद टमाटर है, थोड़ी अदरक है, और तो 1 गड़ी लहसुन की है। मेरे पास गड़ी छोटी थी लहसुन, इसलिए मैंने पूरी ऐड कर दिया, और 2 से 3 हरी मिर्च है, और आधा कप पानी डाल के फ्रेंड्स मैंने इसको जो है ना प्यूरी बना ली है। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलो फ्रेंड, इसे 1 से 2 मिनट हिला लूँ, फिर अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। जी फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा हिला लिया अच्छे से। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, स्पाइसेस जो है ना अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा खुद ही कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, पहले इसको हिला लेते अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हिला लिया। चलें अब इसमें साबुत स्पाइसेस ऐड करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद लौंग, जस्ट मैंने यही इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के तो इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट पकने के लिए। ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। चलिए फ्रेंड, 10 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए पानी खुशक हो गया। अब जो ऑयल मैंने पहले ही ऐड कर दिया होगा, अब इसे हल्की हल्की सी बुनाई करके तो फिर मैं इसमें आलू डालती हूँ। फ्रेंड, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा। आप ज़रूर ट्राई करना, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करके बताना, और ये भी बताया कर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, और आप लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, मैं ज़रूर बनाऊँगी इस पर वीडियोज़। जी देखिए फ्रेंड, इसको 2 से 3 मिनट लगा के इसकी बुनाई कर लूँ पहले। जी फ्रेंड, ये देखिए इसकी बुनाई होगी। चले अब इसमें आलू ऐड करती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं, ये मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइसेस में कट कर दिया, आप लोग जैसे पसंद हो आप कितना खा के डाल लें। देखिए फ्रेंड, जी फ्रेंड, अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 गिलास पानी। जी फ्रेंड, ये देखिए सिर्फ मैं इसमें 1/2 गिलास डालूंगी, जिसमें सिर्फ आलू हमारे गल जाए, ये देखिए बस। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, जिस तक जब तक हमारे आलू जो है ना अच्छे से गल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, चलें अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, और बाकी जो स्पाइसेस रह गए वो हम इसके एंड में तैयार होने के बाद इस्तेमाल करेंगे।
जी फ्रेंड्स, ये देखें इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह फ्रेंड्स, किस कदर खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। और ये आप इसकी लुक देखें जी फ्रेंड, ये देखें। और ये देखें, आलू भी गल गया अच्छे से। प्लीज़ फ्रेंड्स, बना के एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। चलिए फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले डिश आउट कर दूँ, फिर आपसे इजाज़त देती हूँ। उसको मैं फ्लेम ऑफ करूँ, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ सबसे पहले। और लास्ट फ्रेंड, ये देखिए, मैं हरी मिर्च अदरक डाल काट के इस पर रख दूँगी। इसको कच्चा रहने दूँगी, इसको मैंने पकाना नहीं है इसीलिए। ये देखिए फ्रेंड, चले अब इसको डिश आउट करती हूँ, तो मैं आपको उसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है फ्रेंड। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ किस कदर खूबसूरत उसकी तरी आई है। प्लीज़ फ्रेंड, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।